देवर्षि नारद को स्वतंत्रता से दैत्य गुरु आश्रम में आते देख महासुर दैत्य शत्रु कच्छ के सर्वनाश की अंतिम व्यवस्था करने की घोषणा करता है। भोलेनाथ का संकेत पाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य नारद को कच्छ की सुरक्षा के प्रति सदा सावधान रहने का विश्वास दिलाते हैं। उधर रात्रि में असुर कच्छ की हत्या करने में सफल रहते हैं। आपको मेरा शत शत धन्यवाद। प्रिय शिष्य कच्छ, आज्ञा गुरुदेव। प्रिय कच्छ, इस चराचर जगत में मेरे अतिरिक्त तुम दूसरे व्यक्ति हो जिसे शिव शंकर की कृपा से मृत संजीवनी विद्या की सिद्धि हो। आप धन्य हैं गुरुदेव, मुझ जैसे अज्ञानी को ये शिव कृपा आपकी कृपा से ही संभव हुई है। अब तुम स्वतंत्र हो जाओ पुत्र। कैसे? मैं बाहर कैसे आ सकता हूँ गुरुदेव? चिंतित न हो वत्स, अब तुम मृत संजीवनी विद्या के साधक हो गए हो। मेरा उदर चीर कर बाहर आ जाओ। नहीं गुरुदेव, नहीं, ये असंभव है। अपने स्वार्थ के लिए मैं अपने गुरु का जीवन संकट में डाल दूं? मुझे ये मार्ग स्वीकार नहीं है। तुम्हें ये स्वीकार करना ही होगा, अन्य कोई मार्ग नहीं है वत्स। नहीं गुरुदेव, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। गुरुदेव, मैं ये जानता हूं कि आपके जीवन को संकट पहुंचाकर मैं उसे पुनः सुरक्षित कर सकता हूं। ये जानकर भी तुम्हारी उद्विग्नता का कारण क्या है? मैं एक क्षण के लिए भी आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। और यदि ये तुम्हारे गुरु की आज्ञा हो तो? कच्छ, तुम वास्तव में बृहस्पति के पुत्र कहलाने योग्य हो। गुरु के प्रति तुम्हारा समर्पण अविस्मरणीय है, किंतु मैंने भोलेनाथ को वचन दिया है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मेरा मार्ग अग्नि के समान ऊर्ध्वगामी होगा। ये तुम्हारी परीक्षा भी है वत्स। बहुत कठिन परीक्षा है ये। तुम इसे गुरु दक्षिणा भी मान सकते हो। गुरु का जीवन संकट में डालने की गुरु दक्षिणा? मेरा सर्वस्व कांप रहा है गुरुदेव, हृदय शिथिल हो रहा है। कच्छ, मूर्तापूर्ण बात मत करो, सांस करो और बाहर चले आओ। तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं? आपकी बात पर विश्वास ना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता गुरुदेव। तो अपने आप पर भी विश्वास करो। हमारा उदर विदीर्ण करके तुम कोई पाप नहीं करो। बाहर आकर मृत संजीवनी के प्रयोग से मुझे जीवित कर देना। ये तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी है और हमारी आज्ञा। बाहर आओ कच्छ, बाहर आओ, बाहर आओ कच्छ, बाहर आओ। गुरुदेव, 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 उस स्वार्थ के लिए आपने अपना जीवन बलिदान कर दिया। आपकी मृत्यु
साथियों के लिए मैं निमित्त बना। मैं दोषी हूँ, मैं दोषी हूँ। आने वाली पीढ़ी भविष्य में मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। मेरा नाम कृतज्ञता की उपमा बन जाएगा। ये मैंने क्या किया गुरुदेव, ये मैंने क्या किया? तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं? आपकी बात पर विश्वास ना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता गुरुदेव। तो अपने आप पर भी विश्वास करो। हमारा उदर विदीर्ण करके तुम कोई पाप नहीं करोगे। बाहर आकर मृत्य संजीवनी के प्रयोग से मुझे जीवित कर दे। ये तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी है और हमारी आज्ञा, 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 और हमारी आज्ञा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव। मैं आपको पुनर्जीवित करके अपनी गुरुदक्षिणा अवश्य पूरी करूंगा। हे देवाधिदेव, भगवान शिव शंकर अपने इस भक्त पर कृपा करें। हे भोलेनाथ, मुझे अपने गुरु की आज्ञा एवं अपनी गुरुदक्षिणा देने योग्य शक्ति प्रदान करें। हे महारुद्र, मेरी सहायता करें कि मैं अपने गुरु को पुनर्जीवित कर सकूं। ठहर जाओ कच्छ। देवराज इंद्र, आप यहाँ इस समय? आश्चर्य ना करो कच्छ, मेरे यहाँ प्रकट होने के लिए यही अवसर उचित। आपकी प्रसन्नता बता रही है कि आप यहाँ इस योजना को बनाकर ही उपस्थित हुए हैं। तुम मेधावी तो थे ही कच्छ, आप बुद्धिमान भी हैं। जान सकता हूँ आपकी योजना क्या है? अवश्य, क्योंकि ये योजना तुम्हें ही संपादित करनी है। एक बात ध्यान रखो, जीवन में सौभाग्य बार बार द्वार पर नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं देवराज। इसमें ना समझने जैसा कुछ भी नहीं है। ये शुक्राचार्य, ये शुक्राचार्य हम देवताओं का चिर शत्रु है। ये सदैव ही हमारे सर्वनाश का आकांक्षी रहा। आज सौभाग्य से ये यहाँ निष्प्राण पड़ा है। इसके मृत शरीर को यही पड़ा रहने दो, जिससे हम देवताओं के मार्ग का सबसे बड़ा कांटा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं देवराज, इंद्र जैसे राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर बैठे व्यक्ति का स्वार्थ कितनी गहरी खाई में जीवित रहता है। देवराज, आप स्वार्थी हैं, ये मैंने सुना था, किंतु देख आज पहली बार रहा हूं, आपके भीतर तनिक भी लज्जा नहीं? अरे ये व्यक्ति, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपकी पुत्री का पति था। मैं इस संबंध को स्वीकार नहीं करता। ये भाषा आप नहीं, आपकी घृणित स्वार्थी राजनीति बोली, क्योंकि स्वार्थ की दृष्टि में निज हित सिद्ध करना सबसे बड़ा कार्य है। सशंकित ना हो बृहस्पति, सशंकित ना हो, ये मेरे निजी हित की पूर्ति नहीं है, अपितु देवताओं की मातृभूमि की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की स्थायी पूर्ति। आपके मुख पर मातृभूमि शब्द अच्छा नहीं लगता। अरे आप क्या जानो मातृभूमि की परिभाषा? क्यों, तो क्या स्वर्ग की पवित्र भूमि तुम्हारी और मेरी मातृभूमि नहीं? देवराज, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की हर खंड के अलग अलग माता नहीं, एक ही माता है जगत माता पार्वती, एक ही पिता है देवाधिदेव शिव शंकर। जीव मात्र से प्रेम करो
विश्व बंधुत्व के मूल मंत्रों को समझो, तब तुम्हें इस कुटिल राजनीति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राज, अभी तक तो तुमसे मेरा निवेदन था, किंतु अब मेरी आज्ञा है कि शुक्राचार्य के मृत शरीर को इसी प्रकार छोड़ दो। मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आ रहा है देवराज। क्या आप इतना भी नहीं जानते कि एक शिष्य अपने गुरु के अतिरिक्त किसी की भी आदेश सीमा में बंधा नहीं होता? हाँ। तो तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने के इच्छुक हो? कुछ विलंब से सही आप समझ हो गए? देखो प्रियकर, तुम हमारे आदेश से यहाँ स्वर्ग लोक से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने आए थे। अब तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ, तुम्हारे लिए यहाँ एक क्षण भी ठहरना अनुचित। मेरी बात मानो, चलो मेरे साथ स्वर्ग लोक लौट चलो। लौट चलूं और उस भविष्य की चिंता ना करूं जो बृहस्पति पुत्र कच्छ को गुरुद्रोही गुरु का हत्यारा कहकर संबोधित करेगा? तुम भविष्य की चिंता ना करो, भविष्य वही रहेगा जो वर्तमान कह रहा है। क्या वर्तमान हमारे साथ है? क्या मेरी उपस्थिति इस बात का प्रमाण नहीं? आप वर्तमान तो दूर व्यक्ति भी नहीं रहे देवराज, आपकी स्वार्थी राजनीति ने तो बहुत पहले ही आपके व्यक्तित्व की हत्या कर दी। सावधान काज, सावधान। यदि तूने मेरे आदेश की उपेक्षा की तो मैं अपने वज्र प्रहार से तुझे यही समाप्त कर दूंगा। सावधान आप हो जाइए देवराज, यदि मेरी श्राप दृष्टि आप पर पड़ गई तो आप किस दुर्दशा को प्राप्त होंगे इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भलाई इसी में है कि आप यहां से चले जाइए और मुझे अपना कर्तव्य निभाने दे। गुरुदेव, 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 मैं आपको अवश्य जीवित करूंगा गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, मृत्यु संजीवनी विद्या सिद्ध हो। 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 गुरुदेव, 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 ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, जो उद्देश्य लेकर मैं स्वर्ग लोक से आया था वो आपके आशीर्वाद से सिद्ध हुआ। मुझे मृत संजीवनी विद्या सिद्ध हो गई है, अब मैं किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता हूँ। प्रिय शिष्य कच्छ, वत्स कच्छ, ये सभी शिव इच्छा से संभव हुआ है, इसमें तुम्हारा योगदान भी कुछ कम नहीं है। मेरा योगदान? हाँ वत्स, गुरु अपना ज्ञान उस शिष्य पर उड़ेलने को आतुर हो जाता है जिसमें तुम्हारे जैसी विशेषताएं। वास्तविकता तो ये है कि तुम जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। आप महान हैं गुरुदेव। चलो आश्रम चलते हैं, जयंती और देवयानी हमें देखने के लिए विकल हो रही है।
पुत्री देवयानी, कच्छ कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ा रहे? अपनी साधना को विराम दो पुत्री। पुत्री, तुम्हारी तपस्या भगवान भोलेनाथ की कृपा से सफल हुई है। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, अपने प्रिय कच्छ के लिए मैंने आप पे संदेह किया, आप पे दोष लगाए। अपना मन छोटा न करो पुत्री, तुमने कुछ अनुचित नहीं किया, अपितु भविष्य के लिए नया मार्ग प्रशस्त किया है। मैं कुछ समझी नहीं पुत्री। माता पिता, घर परिवार, सगे संबंधियों से ऊपर उठकर यदि प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारे समान दूसरे के जीवन से प्रेम करने लगे तो ये संसार कितना सुंदर हो जाएगा। अपने संबंधों को तिलांजलि देकर तुमने कच्छ के लिए अपने माता पिता पर संदेह करके सर्वथा एक नवीन परंपरा का प्रारंभ किया, जिसमें हर संबंध से ऊंचा है मनुष्य होने का संबंध। अश्रु न बहा पुत्री, यह समय अश्रु बहाने का नहीं है, अपितु प्रिय कच्छ की महान सफलता पर प्रसन्न होने का है। पुत्री, प्रिय कच्छ ने मृत संजीवनी विद्या सिद्ध कर ली है। हम जब निष्प्राण होकर वन में गिर गए तो प्रिय कच्छ ने ही हमें पुनर्जीवन प्रदान किया। भोलेनाथ की तुम पर अपार कृपा है कच्छ। आप लोगों का स्नेह ऋण मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, मुझे अपने माता पिता के पास जाने की अनुमति दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव कि मैं देव दानवों के मध्य जन्म जन्मांतर से चली आ रही शत्रुता को समाप्त कर स्थायी मित्रता की कपोले खिला सकूं। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ वत्स। स्वर्ग से लौटने से पूर्व तुम भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता अवश्य ज्ञापित करना। अवश्य गुरुदेव, भोलेनाथ की कृपा के बिना ये कुछ भी संभव नहीं था। देवयानी, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा उपकार मैं कदापि नहीं भूला पाऊंगा। तुम्हारे योगदान के बिना मुझे कभी भी ये महान सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती थी। मुझे अपने चरणों की दासी, अपनी धर्म पत्नी बनाकर यहाँ से ले चलो कच्छ। मैं कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। देवयानी, ये तुम क्या कह रही हो? मानव कल्याण के लिए संबंधों की तिलांजलि देना निसंदेह महान कार्य है, किंतु निजी स्वार्थ के लिए संबंधों का रूप बिगाड़ना पाप है। किस संबंध की दुहाई दे रहे हो तुम? एक शिष्य के साथ गुरु पुत्री का संबंध बहन का हो सकता है, पत्नी का नहीं। मेरी दृष्टि में तुम मेरी छोटी बहन हो। नहीं देवयानी, ये सत्य है। यदि मैंने इस संबंध को स्वीकार कर लिया तो आश्रमों की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। किसी भी युवा पुत्री का पिता आचार्य अपने आश्रम में विद्यार्थी को प्रवेश देने से पूर्व इस घटना का स्मरण करके व्यग्र हो जाएगा। पुत्री, कच्छ ठीक कह रहा है, वो तुम्हारे लिए भाई के समान है। नहीं, कदापि नहीं, मैं ये संबंध कभी स्वीकार नहीं करूंगी। ये मेरी कोमल भावनाओं पे इसका क्रूर आघात है।
मेरे साथ विवाह का अनुचित विचार त्याग दो दिव्यानी। गुरु और शिष्य का संबंध मात्र पिता और पुत्र का होता है। भृगुवंश में जन्म लेने वाली तुम जैसी श्रेष्ठ कन्या के लिए ऐसा सोचना अधर्म के समान है। नहीं, मेरे प्राणों को कष्ट पहुंचाने वाले, मेरे कोमल भावनाओं के हत्यारे देव गुरु बृहस्पति पुत्र कच्छ, जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। मेरे पिता से प्राप्त मृत संजीवनी विद्या को तो भूल जाएगा। जैसा इस आश्रम में आया था वैसा ही रिक्त लौट जाएगा। आपकी कृपा की स्मृति मेरे जीवन की धरोहर बनकर रहेगी। प्रणाम गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम भोलेनाथ, मैं आपकी कृपा का आभारी हूँ। भोलेनाथ, तुमने इस संसार के सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत किया है। अनेक बार अपने प्राणों को संकट में डालकर भी जो सिद्धि तुमने प्राप्त की उसे अधर्म और अनीति के मूल्य पर सहर्ष त्याग कर तुमने प्रशंसनीय कार्य किया है। बृहस्पति पुत्र, मैंने कुछ भी नहीं किया है भोलेनाथ, ये सब कुछ आपकी कृपा का परिणाम। धर्म संस्कृति के इतिहास में बृहस्पति पुत्र कच्छ का नाम सदा अमर है। निसंदेह तुम्हारा जीवन संसार के लिए उदाहरण बनेगा, तुम्हारा कल्याण। ओम नमः शिवाय।